Hello students, welcome to our channel Mohsin Explain GSEB Made Easy. In this chapter we are going to discuss the question answer of chapter 3 Cultural Heritage of India, Sculpture and Architecture, subject Social Science, standard 10th. Now the question is write about the art of pillar inscription. अब हम यहाँ पे लिखे थोड़ा सा एक नोट बनाएंगे पिलर इंस्क्रिप्शन के बारे में. सो द आंसर इज द मौर्य एम्परर अशोका स्टार्टेड द प्रैक्टिस ऑफ इंग्रेविंग रिलीजियस एडिक्ट ऑन स्पेशली इरेक्टेड पिलर. अब मौर्यन दौर के दौरान जब अशोका राजा थे तो उन्होंने एक चीज़ चालू करी. उन्होंने अपनी जो धार्मिक बातें हैं वो पिलर पे लिखवाना चालू किया ताकि लोग इन पिलर को देखें तो धार्मिक बातें पढ़ें और थोड़ा धर्म के बारे में जाने और धार्मिक बने. दीज आर द बेस्ट स्पेसिमेन द आर्ट ऑफ इंग्रेविंग ऑन स्टोन. अब हम यहाँ पे कुछ एक ऐसे एग्जांपल्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जो एक बहुत ही बेस्ट एग्जाम्पल हैं. जैसे सबसे पहले तो ये पिलर वर मेड फ्रॉम अ सिंगल रॉक. ये पिलर जो है सिंगल पत्थर से बनवाए जाते थे और ये पिलर को इतना ज़्यादा पॉलिश करवाया जाता था कि ये ताकि कांच की तरह चमकें. नेक्स्ट है द रिलीजियस एडिक्ट वर इनग्रेव इन द ब्राह्मी. और इस पिलर के ऊपर जो भी बातें लिखी जाती थी वो ब्राह्मी लैंग्वेज में लिखी जाती थी. पिलर इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका वर इरेक्टेड एट अम्बाला, मेरठ, इलाहाबाद, सारनाथ, लोरिया, सांची, काशी, पटना एंड बोधगया. ये अशोका के पिलर इन इन राज्यों में पाए गए हैं. नेक्स्ट है द मोस्ट ऑफ द स्पेक्टुलर अमंग दीज पिलर इज वन ऑफ सारनाथ. अब ये सारे जो पिलर पाए गए थे पहले जो पढ़े इसमें से सारनाथ में जो पिलर पाया गया है वो वन ऑफ द बेस्ट पिलर है. क्यों? इस पिलर के टॉप में चार लॉइन बने हुए हैं जो एक दूसरे के उल्टा पीट करके खड़े हुए हैं. नेक्स्ट है सारनाथ बीइंग द फर्स्ट प्लेस वेयर द लॉर्ड बुद्धा प्रीच्ड हिज रिलीजन. और सारनाथ ये एक तरीके से देखा जाए सबसे पहली जगह है जहाँ पे उन्होंने धर्म के बारे में लोगों को बताया था. धर्म चक्र आर कर्व बिलो द लॉइन इमेज. और इसके साथ में एक धर्म चक्र हमारी जो तिरंगा हमारा जो नेशनल फ्लैग है उस तिरंगे झंडे के बीच में जो सर्कल करके 24 तीलियों वाला है उसको धर्म चक्र कहते हैं. और ये हमारे जो एम्बलम है नेशनल एम्बलम जो हमारी करेंसी के ऊपर हमारे रुपये के ऊपर चार तीन शेर और नीचे बना रहता है यही हमारा नेशनल एम्बलम है. अब इन नेशनल एम्बलम में अगर देखा जाए तो इन एडिशन द फिगर ऑफ एलिफेंट हॉर्स एंड बुल हैव बीन कर्व एट द बॉटम ऑफ द फिगर ऑफ लॉयन. और इस एम्बलम में चक्र के बाजू में आपका हाथी घोड़ा और बुल बना हुआ है. हाथी का मतलब हमारा देश हाथी की तरीके बलवान है, घोड़े की तरह तेज और बुल की तरह मेहनती है और शेर की तरह खतरनाक है. अब यहाँ पे जानेंगे कि धर्म चक्र क्या है. धर्म चक्र अगर देखा जाए तो ये सिग्निफाई करता है अ ट्रम्प ऑफ रिलीजन. यानी हमारे देश के अंदर अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं और सब साथ में मिलकर रहते हैं. सो दैट इज नोन एज धर्म चक्र. दिस धर्म चक्र फाइंड अ प्लेस ऑन द नेशनल फ्लैग. और ये धर्म चक्र हमारे नेशनल फ्लैग में भी पाया जाएगा. फिगर ऑफ फोर लाइन जो हमारे नेशनल एम्बलम के बॉटम में बना हुआ है. ओके स्टूडेंट्स, दिस क्वेश्चन एंड्स ओवर हियर. इफ एनीवन हैविंग एनी डाउट एनी क्वेश्चन और एनी क्वेरी आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं एंड आई विल सॉल्व देयर क्वेरी एज सून एज पॉसिबल. थैंक यू वेरी